सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है. तो एक इसका मेथड जो है वो हमारी अलग वीडियो बन जाती है, पर नाउ वी विल सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हमारे पास क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं. तो हुआ क्या कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 1993 में जो है वो शुरू किया गया, और अप्रोक्स हमें पता है कि 2003 के अराउंड भी हमें सिर्फ 85% ऑफ ह्यूमन का जो जीनोम था वो कंप्लीट मिला था. और रिसेंटली विद द हेल्प ऑफ द एडवांस सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज हमने 1 अप्रैल 2022 को जो रेस्ट 8% से या फिर 9% जो भी हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो सीक्वेंसिंग थी वो इनकम्प्लीट थी, वो हमने पूरी कर दी थी. तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि पुराने टाइम में क्या था, हमारे पास एडवांस्ड डीएनए की जो सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए सीक्वेंसेस की इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी. वहां पे हमारे पास यूजुअली हम सैंगर सीक्वेंसिंग यूज करते थे. ये जो सैंगर सीक्वेंसिंग थी ये कॉस्टली भी थी और ये टाइम जो है वो भी कंज्यूम बहुत ज्यादा करती थी. तो इसीलिए हमें एक एडवांस सीक्वेंसिंग चाहिए थी. और आज के टाइम पे हमारे पास जो सीक्वेंसिंग है दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. अब आज के टाइम पे हम एक दिन में ही पूरे जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है वो कर सकते हैं, और इसमें हम डीएनए भी यूज कर सकते हैं, आरएनए भी यूज कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, ये करता क्या है. तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से हम तीन तरह की फाइंडिंग्स कर सकते हैं. एक हमारे पास आती है प्राइमरी फाइंडिंग्स, एक हमारे पास आती है सेकेंडरी फाइंडिंग्स, और एक हमारे पास आती है टर्शरी फाइंडिंग्स. ठीक है, तो तीन तरह की हमारे पास फाइंडिंग्स है, प्राइमरी फाइंडिंग, सेकेंडरी फाइंडिंग और टर्शरी फाइंडिंग. तो इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं कि कैसे हम इसको कैसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और ये कैसे हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल ली राम की. ठीक है, राम की हमने एग्जाम्पल ली. तो जो राम था उसमें कुछ तरह के हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए गया. जेनेटिक टेस्टिंग में जब वो गया तो उसने देखा, मतलब उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरे टेस्ट वगैरह कीजिए और पता कीजिए कि ये जो सिम्टम्स मेरे पास आ रहे हैं वो कैसे हैं. तो उन्होंने देखना चाहा कि शायद इसमें कोई जेनेटिक वेरिएंट ना हो, कोई म्यूटेंट ना हो, तो इसलिए उनको सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो प्राइमरी फाइंडिंग में हम क्या करेंगे, सपोज जो राम था वो ऑटिमिज्म के जीन्स दिखा रहा था, या फिर चलो ऑटिमिज्म के चलो जीन्स दिखा रहा था. तो उन जीन्स को जब हमने डिटेक्ट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास होगी प्राइमरी फाइंडिंग. ठीक है, अब अगर इनकेस ऐसा होता है कि जब उसकी सारी सीक्वेंसिंग हमने कर ली, हमें पता लगा कि जो भी ऑटिज्म के रिलेटेड जीन्स थे वो तो उसको नहीं मिले, ये तो हमें प्राइमरी फाइंडिंग में पता लग गया. फिर हम जाते हैं सेकेंडरी फाइंडिंग की तरफ. सेकेंडरी फाइंडिंग में क्या है कि ऐसे 73 जीन्स हैं जो कि अमेरिकन कॉलेज की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिए हुए हैं कि अगर आपको प्राइमरी फाइंडिंग है, अगर पर्सन में सिम्टम्स आ रहे हैं सारे और आपको प्राइमरी फाइंडिंग में कुछ नहीं मिला, तो हम सेकेंडरी फाइंडिंग की तरफ जा सकते हैं, जहां पे ये जो 73 जीन्स जो कि एक रिस्क फैक्टर जीन्स है जो कि कल को उस बीमारी के लिए उन सिम्टम से एसोसिएटेड हो सकते हैं, वहां पे हम इन 73 जीन्स का स्पेसिफिकली टेस्ट करते हैं, ये चीज हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी फाइंडिंग. अब जो लास्ट फाइंडिंग होती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग. इंसिडेंटल फाइंडिंग क्या होती है कि चलो उन्होंने फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, लेकिन जब मैं उसकी जीनोम सीक्वेंस सारी स्टडी कर रही थी उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसे वेरिएंट्स, कुछ ऐसे म्यूटेंट्स दिखे जो शायद अभी उसको दिख नहीं रहे पर अडल्ट स्टेज में जाके उसको विजिबल हो सकते हैं. कुछ ऐसे मुझे डिसऑर्डर्स दिखे कि जो कि कल को उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. तो ऐसी जो फाइंडिंग्स हमारी होती है वो होती है इंसिडेंटल फाइंडिंग्स. तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से हम जेनेटिक टेस्टिंग में पर्सन की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फाइंडिंग करते हैं, जहां पे हम उसकी सीक्वेंसिंग को जो हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी में होती है उससे कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कहां पे म्यूटेशंस है, कहां पे वेरिएशंस है. ठीक है, अब
इसके लिए जो आज हमारे पास मेनली यूज होती है एल्यूमिना, जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए यूज होती है, रोशे 454 यूज होती है, देन आयन टोरेंट यूज होती है, इन सभी के प्रिंसिपल्स और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी का डिफरेंट रहता है। बट इस वीडियो में हमने यही कवर किया है कि व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट नाउ डेज कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की तरफ इतनी ज्यादा रिसर्च वगैरह जारी है। तो अगली वीडियोस में हम प्रॉपरली कवर करेंगे कि कैसे इनका प्रोसीजर होता है, हाउ दे आर डन एंड ऑल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। थैंक यू एवरीवन।